हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बॉलीवुड में कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अच्छा काम किया 90s से लेकर के 80s, 70s, 60s के दौर में भी, और टेलीविज़न में भी उन्होंने अपना दमखम दिखाया, लेकिन फिर भी वो अब सेलिब्रिटीज़ कहाँ हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी में एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्में की, और साथ ही अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना, दिलीप कुमार जैसे एक्टर्स के साथ लीड रोल किया, लेकिन अब वो गायब है। शाहरुख खान की ऑन स्क्रीन माँ कही जाने वाली और शरारत सीरियल से बच्चों के दिलों में जगह बना चुकी फरीदा जलाल आज कहाँ है इसके बारे में कोई नहीं जानता। फरीदा जलाल का आज जन्मदिन है, इसलिए चलिए आज फरीदा जलाल के बारे में जाना जाए, पता लगाया जाए कि आखिर फरीदा जलाल है कहाँ, फरीदा जलाल के ये किस्से देखिए जहाँ पर उन्होंने कितनी सारी फिल्में की, कैसे उन्हें फिल्म मिली, डेब्यू उन्होंने इस इंडस्ट्री में कैसे किया, इस बात की जानकारी थी। कहा जाता है कि अगर राजेश खन्ना ना होते तो फरीदा जलाल भी इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ना होती। फरीदा जलाल ने इन बड़े एक्टिंग के महारथियों के साथ काम किया और फिर शाहरुख खान के साथ अक्सर माँ के रोल में वो नजर आई। देखिए फरीदा जलाल के बारे में ये खास रिपोर्ट। 300 से ज्यादा फिल्में कर चुकी शाहरुख खान की ऑन स्क्रीन सास आखिर कहाँ है, फिल्मों से अचानक आखिर क्यों दूरी बना ली, कहाँ है शरारत की नानी, चलिए जानते हैं कि आखिर फरीदा जलाल का अता पता क्यों नहीं मिलता। आज 14 मार्च है, 14 मार्च के दिन फरीदा जलाल का जन्म हुआ था। आज वो अपना 74वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। 1949 में मुंबई में जन्मी फरीदा जलाल ने 60s से लेकर 2000 तक के सारे फिल्मों में, सीरियल्स में काम किया। बला की खूबसूरत लगने वाली फरीदा जलाल ने ना केवल बड़े पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी, बल्कि छोटे पर्दे पर भी उनका जलवा यूं ही बरकरार रहा। फरीदा जलाल ने फिल्म फेयर के यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर टैलेंट हंट में पार्टिसिपेट किया था, जिन्हें राजेश खन्ना ने सिलेक्ट किया और अपनी फिल्म तकदीर फरीदा जलाल को ऑफर कर दी। 60s और 70s के दौर में यंग फरीदा जलाल ने दिलीप कुमार और राजेश खन्ना के साथ साथ अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया। फरीदा जलाल ने दुलारा, आराधना, लाडला, टार्जन द वंडर कार, हिना, क्या कहना, सोल्जर, महल, बिग ब्रदर, लोफर, बॉबी, दिल जले, जुदाई, ऐलान, अमर प्रेम, राजा हिंदुस्तानी, चोरी चोरी, चुपके चुपके, दुल्हन हम ले जाएंगे जैसी सुपरहिट फिल्में की, और DDLJ को कौन भूल सकता है। शाहरुख खान के साथ फरीदा जलाल ने कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डुप्लीकेट, दिल तो पागल है जैसी फिल्मों में भी काम किया। फरीदा जलाल अक्सर शाहरुख खान की माँ का रोल अदा करती थी। फरीदा जलाल की फिल्म मम्मू के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फरीदा जलाल को DDLJ के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब मिला। फरीदा जलाल ने साल 2003 में टेलीविजन का रुख किया और साल 2010 तक वो छाई रही। इस बीच में उन्होंने कुछ फिल्में भी की, लेकिन टेलीविजन में वो घर घर में अपनी पहचान बनाने के लिए भी जानी जाती हैं। बच्चों के दिलों में भी फरीदा जलाल ने नानी बनकर एक अलग ही जगह बनाई थी। जब जादूगर वाला सीरियल आता था, शरारत में फरीदा जलाल ने जो भूमिका अदा की, उससे फरीदा जलाल एक नानी के तौर पर घर घर में जानी जाने लगी। फरीदा जलाल ने साल 2003 में सीरियल शरारत से डेब्यू किया था टेलीविजन में। फरीदा जलाल ने साल 2008 में पंजाबी सीरियल में भी काम किया। पंजाबी फिल्म यारिया में भी उन्होंने अपना रोल अदा किया था, और उसी साल टीवी के पॉपुलर शो बालिका वधू में भी नजर आई थी।
फरीदा जलाल ने साल 1978 में एक्टर तबरेज बरमावर के साथ शादी कर ली। तबरेज बरमावर का निधन साल 2003 में ही हुआ था। फरीदा और तबरेज का एक बेटा यासीन बरमावर है। फरीदा जलाल काफी वक्त से ना तो टेलीविजन में नजर आ रही हैं, ना ही वो फिल्मों में नजर आ रही हैं। 74 साल की उम्र में आखिर कहाँ है, ये सवाल सबके मन में उठ रहा है। फरीदा जलाल को आखिरी बार एक इंटरव्यू के दौरान देखा गया था, जहां उन्होंने शाहरुख खान की मां बनने से लेकर के या दिलीप कुमार के साथ काम करना, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के किस्से लोगों को सुनाए थे। तो वहीं आखिरी बार इंटरव्यूज जब फरीदा जलाल ने दिया, उसके बाद वो नजर नहीं आई हैं। सोशल मीडिया पर फरीदा जलाल के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि उम्र के इस पड़ाव में फरीदा जलाल अब अपने परिवार को वक्त दे रही हैं। 300 से भी ज्यादा फिल्में करने वाली और कई सारे टेलीविजन शो में भी नजर आ चुकी फरीदा जलाल ने बहुत काम किया और अब वो इस पड़ाव में अपने परिवार के लिए वक्त निकाल रही हैं। परिवार को लेकर के ये रिपोर्ट सामने आई है कि वो उनके साथ हैं और अब फिल्मों में आने का उन्होंने ख्याल छोड़ दिया है। यूं तो फरीदा जलाल के रिश्ते हर एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ बेहतरीन हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन को लेकर के फरीदा जलाल ने खास बात कही थी। अमिताभ बच्चन और फरीदा जलाल पुराने दोस्त हैं और अक्सर जब ये मिला करते थे तब दोनों में खूब बातचीत हुआ करती। फरीदा जलाल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि भले ही अब वो ज़्यादा ना मिलते हों, लेकिन उनके प्रति प्यार पर कोई असर नहीं हुआ है। फरीदा जलाल ने कई फिल्म में बिग बी और जया के साथ काम किया, इसलिए उनका रिश्ता काफ़ी पुराना है। फरीदा कहती थी कि एक ऐसा समय था जब उनका ग्रुप बड़ा हुआ करता था, वो हमेशा अपने दोस्तों से मुलाकात करती थी। इसी बीच में फरीदा जलाल ने अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की एक पोल भी खोल दी। दरअसल फरीदा जलाल ने अमिताभ और जया के रिलेशनशिप पर दावा किया था। कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अमिताभ बच्चन ने यह दावा किया था कि उन्होंने कभी भी जया बच्चन को डेट नहीं किया बल्कि शादी की थी। और डायरेक्ट शादी करने के इस खुलासे को लेकर क्या कहती हैं फरीदा जलाल, ये बताते हैं। दरअसल फरीदा जलाल ने ये खुलासा किया कि शादी से पहले भी अमिताभ बच्चन जया को डेट किया करते थे, हालांकि अमिताभ बच्चन ने इस बात से इनकार किया था। फरीदा जलाल का कहना था कि मुझे आज भी वो दिन याद हैं जब अमिताभ और जया शादी से पहले एक दूसरे को डेट करते थे। फरीदा जलाल ने खुलासा किया कि वे उन्हें रात में पाली हिल्स स्थित उनके घर से लेकर जाते थे और वो तीनों होटल ताज में कॉफ़ी पीने के बहाने ड्राइव पर निकलते थे। इस तरीके से फरीदा जलाल उनके साथ दोस्ती भरा रिश्ता शेयर करती थी और वो बताती थी कि कैसे ये रिश्ता आज भी कायम है। फरीदा जलाल ने इंटरव्यू में बताया कि कैसे जया बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन लॉन्ग ड्राइव पर जाया करते थे, हालांकि उस वक्त उनके साथ फरीदा भी रहा करती। तो 74 साल की हो चुकी हैं फरीदा जलाल। आखिरी बार उन्हें एक इंटरव्यू में देखा गया था। बालिका वधू से लेकर के कई और सीरियल्स में नजर आई। बालिका वधू उनकी आखिरी सीरियल थी कहा जाता है। और फरीदा जलाल अब कहाँ हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया हैंडल्स उनका खंगालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पर भी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं। दावा ये किया जाता है रिपोर्ट की माने तो फरीदा जलाल अब इन तमाम चकाचौंधों से दूर परिवार के साथ वक्त बिता रही हैं और फैंस ये आशा कर रहे हैं कि फरीदा जलाल को कभी ना कभी एक बार फिर से वो ऑन स्क्रीन ज़रूर देखेंगे। वेल, फरीदा जलाल ने कभी भी ऑन स्क्रीन दोबारा आने का कोई भी ऐसा दावा नहीं किया है। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।